तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं? सो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो फॉर्म करते हैं वेरियस टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो बाउंड होते हैं सर्टेन नंबर ऑफ एनायन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। तो जो मेटल प्रेजेंट है वो सर्टेन नंबर ऑफ एनायन या न्यूट्रल से कनेक्टेड होते हैं, तो इसको जो हम बोलते हैं, ये जो हमको कंपाउंड मिलता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल FeCl6 4-, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब हम मूव करते हैं वर्नर थ्योरी के ऊपर। तो वर्नर ने एक थ्योरी दी थी 1898 में, जिसके की कुछ पोस्टुलेट थे अबाउट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो टू टाइप्स की लिंकेज या वैलेंसी शो करते हैं। सो फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है और ये सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन के द्वारा, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है और सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से या फिर न्यूट्रल आयन से, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है और ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द फोर्थ पोस्टुलेट इज जो ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसमें कुछ फिक्स नंबर के जो कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेस में अरेंजमेंट होती है, तो ये फॉर्म करते हैं विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो यहाँ पे अभी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होगी। अगर मान लो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्रेजेंट है तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिफरेंट होगी। सो अब हम मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं। सो अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा दैट इज FeCn6 4-, ठीक है। तो जो ये सेंट्रल मेटल एटम है ये अटैच है फिक्स नंबर ऑफ लीगेंड या फिक्स नंबर ऑफ डोनर एटम से, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेकेंड हम पढ़ते हैं सेंट्रल एटम क्या होता है। सेंट्रल एटम वो होता है जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ लीगेंड्स या फिर फिक्स नंबर ऑफ एटम और आयन बॉन्डेड हो मेटल एटम से, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम। सो इसमें ये जो है ये तो है हमारे डोनर एटम 6 जो कि अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इससे, तो ये जो लिंक है इससे, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रल एटम। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये जो पूरा जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है इस ब्रैकेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने डोनर एटम प्रेजेंट है। लाइक इसके अंदर 6 डोनर एटम प्रेजेंट है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 6। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले ले PtCl6 4-, तो इसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो जाएगा 6। अगर हम और एग्जांपल देखें CuNH3 3+, 4 times, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लीगेंड्स की। सो लीगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स आर दोज आयन और ग्रुप जो कि अटैच होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। तो ये Fe है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये साइनाइड है जो कि डायरेक्टली अटैच है Fe से, तो इसको हम कहते हैं
लिगेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है? सिक्स। तो अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं लिगेंड्स का। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है मोनोडेंटेट लिगेंड, और इसको हम यूनिडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। सो वो डोनर एटम जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। लिगेंड जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल NH3, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, F नेगेटिव एटसेट्रा। सो ये जो भी होंगे ये होंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर हम एग्जांपल देखें CONH3 6 4 नेगेटिव, ठीक है, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर सिर्फ डोनर एटम जो होगा वो होगा नाइट्रोजन जो कि अटैच होगा CO से, तो ये होगा मोनोडेंटेट लिगेंड। नाउ द सेकंड इज बाइडेंटेट लिगेंड। सो बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम प्रेजेंट हो। तो फॉर एग्जांपल EN दैट इज इथाइली डाई अमाइन, या फिर C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इथाइलिन डायमिन का वो क्या होगा? NH2 CH2 CH2 NH2। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो क्या होगा? CO EN thrice 3 पॉजिटिव, तो 3 यहां पे हमारे पास EN प्रेजेंट है, मतलब इथाइलिन डायमिन प्रेजेंट है। तो ये किस तरीके से प्रेजेंट होंगे? तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये है CO, तो यहां पे EN दैट इज NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहां पे ये सिर्फ एक ही लिगेंड है जो कि है बाइडेंटेट लिगेंड, और जो कि जिसके पास दो डोनर एटम है, एक तो ये वाला नाइट्रोजन एक ये वाला, ठीक है। ऐसे यहां पे भी NH2 CH2 CH2 NH2 प्रेजेंट होगा, और यहां पे भी सेम ऐसे ही NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड की। तो वो लिगेंड जिसके पास तीन डोनर एटम हो उसको हम बोलते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो अब हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड की। पॉलीडेंटेट लिगेंड, और इसको हम मल्टीडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। तो वो लिगेंड जिसके पास मोर देन वन डोनर एटम हो, तो जिसके की अंदर बाइडेंटेट भी आता है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट लाइक। तो इसमें सिर्फ मल्टीडेंटेट जो यूनिडेंटेट लिगेंड होता है उसको छोड़ के जितने भी हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज EDTA, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इथाइली डाई अमाइन टेट्रा एसिटेट, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH2 CH2 N N CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव। तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसमें कि 1 2 3 4 5 एंड 6 डोनर एटम प्रेजेंट है जो कि अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से। और इनका जो एग्जांपल है दैट इज CO EDTA -1, ठीक है। तो हमने पॉलीडेंटेट लिगेंड भी पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं चिलेट। सो चिलेट क्या होता है?
पॉलीडेंटेट लिगेंड या फिर मल्टीडेंटेट लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो मोर देन वन साइड तो और वो फॉर्म करे एक रिंग स्ट्रक्चर तो उसको हम कहते हैं चिले। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने पढ़ा था CO CoEn thrice 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें यहां पे था NH2 CH2 CH2 एंड NH2, यहां पे NH2 CH2 CH2 NH2 और यहां पे भी ऐसे ही NH2 CH2 CH2 NH2। तो मैंने यहां पे कहा कि कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड मतलब सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड को छोड़ के जो भी हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो अटैच हो सेंट्रल मेटल एटम से मोर देन वन साइड, तो ये एक लिगेंड है जो कि टू साइड से अटैच है, एक तो यहां से एक यहां से, ठीक है। और ये फॉर्म कर रहे हैं रिंग स्ट्रक्चर तो इसको हम कहते हैं चिलेट। ड्यू टू दिस रिंग स्ट्रक्चर जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और इसको हम कहते हैं चिलेशन, ठीक है। और इसके इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, चिलेशन इफेक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। सो एम्बिडेंट लिगेंड बेसिकली मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ही होते हैं, लेकिन मोनोडेंटेट लिगेंड में क्या था, सिर्फ उनके पास वन डोनर एटम प्रेजेंट था, बट इसमें जो हमारे पास एटम प्रेजेंट होगा वो दोनों साइड से सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो सकता है। फॉर एग्जांपल NO2 नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, ये मेटल है वो अटैच हो सकता है नाइट्रोजन से O नेगेटिव, ठीक है, या फिर मेटल है वो अटैच हो सकता है ऑक्सीजन एटम से, सो इसको हम कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। एक और एग्जांपल है दैट इज थायोसाइनेट, सो मेटल अटैच है SCN नेगेटिव से, दैट इज थायोसाइनेट, या फिर मेटल इसमें नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है MnCS, तो इनको हम कहेंगे एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो प्रेजेंट है उनका जो पॉलीहिड्रा है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेरियस जो है कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है और उनके पास फिक्स नंबर ऑफ कुछ लिगेंड्स या फिर डोनर एटम प्रेजेंट है जिसकी वजह से उनकी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होगी, तो कौन कौन सी हो सकती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं FeCN6 4 नेगेटिव, तो यहां पे हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी या फिर स्पेशल अरेंजमेंट होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हम बात करें CONH3 4 2 नेगेटिव, तो इसमें हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। नाउ द नेक्स्ट इज PtCl6 2 नेगेटिव, तो इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो होगी स्क्वेयर प्लेनर। तो यहाँ पे कौन कौन सी डिफरेंट ज्योमेट्री हो सकती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल प्रेजेंट है, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो किस तरह से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे लिगेंड्स अटैच हैं अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, तो इसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है और लिगेंड्स इस तरह से प्रेजेंट है तो इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल, अगर यहां पे मेटल प्रेजेंट है
और लीगेंड ऐसे प्रेजेंट हैं, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। अगर यहां पे मेटल प्रेजेंट है और लीगेंड प्रेजेंट है, लाइक यहां पे लीगेंड है, यहां पे भी लीगेंड है, यहां पे भी, तो इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अगर यहां पे मेटल प्रेजेंट है और लीगेंड प्रेजेंट है स्क्वायर प्लेनर में, और एक लीगेंड प्रेजेंट है यहां पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये हो गई मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस है उनकी अरेंजमेंट। तो अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि हमारे पास सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है उसके ऊपर कितना चार्ज है ड्यू टू जो हमारे डोनर एटम प्रेजेंट है उनकी वजह से। तो जब हम उन डोनर एटम को हटा देते हैं तो उस जो सेंट्रल एटम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, Cu Cn 4 3 नेगेटिव, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो इसमें जो Cu है वो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, तो इसको हम मान लेते हैं X इसके ऊपर चार्ज है, प्लस यहां पे हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 4 मॉलिक्यूल Cn के प्रेजेंट है, सो 4 इंटू चार्ज Cn पे कितना होता है माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये जो हमारे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है वो हम इक्वल में लिखते हैं, दैट इज माइनस 3। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, x इज इक्वल टू प्लस 1। सो जो कॉपर के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज प्लस 1। ठीक है, और जो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है इसको हम रोमन नंबर के अंदर लिखते हैं और इनको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखते हैं, कॉपर ये रोमन में हमने इसको लिख दिया 1 प्लस 1 को 1, और इसको हमने पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब हम बात करते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं और हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं। होमोलिप्टिक, सो वो कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो प्रेजेंट होता है वो अटैच हो सेम डोनर एटम से, मतलब जो डोनर एटम प्रेजेंट हो वो सेम हो, लाइक CO NH 3 6 4 नेगेटिव। तो इसके अंदर ये जो डोनर एटम है वो सेम प्रेजेंट है, वन काइंड के प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड इज हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, लाइक यहाँ पे CO NH 3 यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है और Cl 2 के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे 4 तो NH 3 है और 2 Cl है, तो यहाँ पे डिफरेंट मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो एक टॉपिक है दैट इज हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं डबल साल्ट के बीच में और जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके बीच में। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर जो डबल साल्ट हैं, डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये दोनों जो बनते हैं वो बनते हैं बाय कंबाइनिंग ऑफ टू, कोई भी हमने मोलिकुलर फॉर्मूला ले लिया उनका जो स्टिच्योमेट्रिक रेशियो होगा उनको मिला के जो फॉर्मूला बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट। ठीक है, ये बनते तो सेम है लेकिन इनके बीच में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डबल साल्ट की बात करें तो मोहर साल्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O।
तो जब हम इसको वॉटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इसके जो सिंपल्स आयन हमको मिलते हैं वो अलग अलग सेपरेटली मिल जाते हैं। लाइक Fe का जो है हमको सिंपली जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आएगा वॉटर में डिजोल्व करेंगे तो वो अलग से हमको सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं लाइक FeCN6 4-, ठीक है, तो जब हम इसको वॉटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको Fe2+ का आयन है वो वॉटर के अंदर नहीं मिलता। तो यही था इनके बीच का बेसिक डिफरेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।